दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा में टिकटों के बंटवारों को लेकर खुलकर गुटबाजी जो है अब वो सामने आ गई है। तो कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। जो धड़ा बटा हुआ था कांग्रेस में वो अब खुल के खेमा जो है सामने आ गया है। जिस तरह से गुटबाजी हो रही है, अशोक तंवर का ऑडियो मैसेज जो है अब वायरल हो चुका है। अशोक तंवर समर्थक सोनिया गांधी के आवास पर इकट्ठा है। गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेकर अब संग्राम मचा हुआ है। जी हां, और हमारे सहयोगी जयदीप राठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टिकटों के बंटवारे को लेकर गुटबाजी जो है अब कांग्रेस में देखने को मिल रही है। जयदीप, जानकारी चाहेंगे, ये जो अलग अलग धड़ों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही थी और लगातार मंथन का दौर चल रहा था, माथापच्ची चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, लेकिन आखिरकार जो इतने धड़े थे अब खुलकर सामने आ रहे हैं, गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है। जयदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है या ना, इनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस के बीच की गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। जयदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? जी जयदीप, ये जो धड़ा बटा हुआ था, जो इतना मंथन चल रहा था, इतनी लंबी लंबी बैठकें चल रही थी कांग्रेस में और ये कयास लगाए जा रहे थे कि धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस, तो क्या एकजुटता दिखेगी? लेकिन अब तो खुलकर गुटबाजी सामने आ गई है। जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से अभी जो एपिसोड पिछले एक घंटे के अंदर घटा है, अशोक तंवर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनको अभी एक महीना पहले ही अध्यक्ष पद से हटाया गया है, उनका एक ऑडियो वायरल आपने सुना होगा। अभी वो अपने समर्थकों को AICC के ऑफिस के बाहर पहुंचने के लिए कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, कांग्रेस को बचाना है। उसके बाद कुछ देर बाद किरण चौधरी जो CLP लीडर रही 5 साल, अब जो है मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है, वो जो है पहुंची है सोनिया गांधी से मुलाकात करने और आरोप यही है कि उनकी अनदेखी की जा रही है टिकट बंटवारे को लेकर, और इसी बात को लेकर वो सोनिया गांधी से मिलने पहुंची है। तो बिल्कुल जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस आखिर क्यों नहीं अपनी जो टिकटें हैं वो अनाउंस कर पा रही, उसके पीछे का रीजन यही था कि जो भीतरी कलह पार्टी के अंदर का है, जो गुटबाजी है, उसी को लेकर जो है सहमति नहीं बन पा रही थी, जो अब खुल के सामने आ रही है। जी जयदीप, ये जो अशोक तंवर का जो मैसेज है जो वायरल हुआ है, उसमें तो वो समर्थकों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इकट्ठा हो, लेकिन ये जो धड़ा है वो आखिरकार क्या चाहता है? ये बार बार जो डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने पर कुछ लोग उतारू है, ये कुछ लोग कौन है? खुलकर नाम क्यों नहीं लेते? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इशारा किया तो साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर यह इशारा किया है और उनके समर्थक जब कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचे, जो नारेबाजी वो कर भी रहे हैं, उसमें भले ही वो राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद और गुलाम नबी आजाद पर भी टिकटें बेचने का आरोप अशोक तंवर के समर्थक, ये वीडियो जो हमने देखा है उसमें लगा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, साथ ही गुलाम नबी आजाद पर भी टिकटों को बेचने का आरोप अशोक तंवर के समर्थक लगा रहे हैं। जी जयदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।